बॉलीवुड एक्ट्रेस और दिव्यांगक फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती एक बार फिर कटघरे में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और इसकी सुनवाई जल्दी ही शुरू होने जा रही है। अब ये इत्तेफाक है या जो भी है, पर ये ऐसे समय पर हुआ है जब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार बदलने की सुगबुगाहट पर है, सत्ता की हवा बदलने लगी है। आपको याद दिला दें कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के दौरान एक तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने आ गई थी, जहां एक लॉबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हत्या साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वहीं राज्य सरकार आरोपों से घिरी हुई रिया चक्रवर्ती के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। अब जब राजनीतिक माहौल बदलने की चर्चा चल रही है, तो NCB ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस में तेजी ला दी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी कई हलचल देखने को मिल सकती हैं। आपको याद दिला दे कि बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई के फ्लैट में 14 जून 2020 को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी और इस मामले में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों को जांच का सामना करना पड़ा था। इस मामले की जांच CBI कर रही है, लेकिन जांच एजेंसी अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच ड्रग्स एंकल से भी की जा रही है, जिसमें दीपिका पादुकोण और सारा अली खान समेत कई बॉलीवुड स्टार से पूछताछ हो चुकी है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़ नॉट फॉर स्मार्ट न्यूज़।